दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोलर बैटरी की जो बैकअप होते हैं वो चेक करने वाले हैं कि ये 40 एएच की न्यू सोलर बैटरी कितनी चल जाती है। यॉर्क कंपनी की ये एक सोलर बैटरी है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे इसका जो स्टिकर्स है मेन वो पीछे की ओर लगा हुआ है। खैर हमें इसका लोड टेस्ट करना है। यहाँ पर मैं एक साइन वेव इन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक सफिशियंट और अच्छे तरीके से मैं इसका बैकअप निकाल सकूँ। 12.4 वोल्ट यहाँ पर हो चुके हैं। ये बैटरी फुली चार्ज भी नहीं है, इसको करीब करीब 12.8 होना चाहिए जो कि अभी फुल चार्ज स्टेज में नहीं है। 100 वाट का जो लोड है वो मैंने वहाँ पर लगा कर रखा हुआ है और इसका एम्पियर मीटर मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है कि बैटरी से कितने एम्पियर ड्रॉ हो रहे हैं 100 एम्पियर को चलाने के लिए। तो हो गया सारा सेटअप यहाँ पर। अब मैं इसके बाद आपको दिखा दूँ, ये है हमारा इन्वर्टर का मेन कनेक्शन जो कि मेंस में लगता है, तो वो मैंने निकाल करके रखा हुआ है। तो आइए फिर इसे अपने इस वॉच को रिसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वॉच में एक बज चुके हैं जो कि आप देख सकते हो। तो आइए फिर मैं इसका लोड टेस्ट स्टार्ट करता हूँ स्विच ऑन करके। 100 वाट का बल्ब वहाँ पर ग्लो हो चुका है और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो। मुझे 100 वाट के बल्ब पर यानी जो इसकी रोशनी है बहुत ज़्यादा है। चलिए यहाँ पर हमारा लोड स्टार्ट हो ही चुका है। एम्पियर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर 6.3738 के आसपास एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है जो कि लमसम ठीक ठाक है। वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होकर के 11.3 हुए हैं जो कि अभी कुछ देर में वापस से रीगेन कर लेगा। ये वोल्टेज अब यहाँ पर हो चुके हैं 11.4 और ये करीब करीब 11.5 तक 11.6 तक जा सकता है। सोलर बैटरी होने की वजह से यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो कम है और मोटी हैं, इसकी वजह से जो वोल्टेज है 100 वाट के लोड के हिसाब से ये बैटरी नहीं बनी होती है। तो इसकी वजह से जो वोल्टेज का जो ड्रॉपनेस है वो इतना आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा ये ड्रॉप हो चुकी है। फिर भी मेरा अनुमान है कि करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के आसपास इसका बैकअप मुझे मिल जाना चाहिए। अब वो तो वीडियो के लास्ट में ही मालूम पड़ेगा कि आखिर इस बैटरी का जो बैकअप है वो कितना निकल करके आता है। अभी फिलहाल केवल 3 मिनट ही हुए हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो चुके हैं जो कि 11.5 तक आ चुका है और टाइम 10 मिनट के आसपास ये लोड चल चुका है। बल्ब को मैंने वहाँ पर एक इन्वर्टर के ढक्कन से ढक दिया है। इन्वर्टर ठीक ठाक है, कोई हीटिंग नहीं है, नॉर्मल है, कोई लोड ही नहीं है तो कहाँ से ये हीट होगा। लेकिन हाँ, इस सोलर बैटरी की 40 एएच की बैटरी के लिए ये 100 वाट का लोड उतना ज़्यादा ठीक नहीं होता है। ये उससे भी कम लोड के लिए करीब 50-55-60 वाट के लोड के लिए ही बने होते हैं, उसी पर ये अपनी सबसे अच्छी एफिशिएंसी निकाल करके दे सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी रेयर केस में अगर हमें 100 वाट का लोड डालना ही हो तो देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा हमें बैकअप मिलता है। तो वोल्टेज यहाँ पर हो चुके हैं 11.3 और जो इसमें टाइम हो चुका है वो करीब 28 मिनट हो चुके हैं। तो लगभग आधा घंटा जो है ये चल चुका है 11.5 से लेकर के 11.3 के बीच में। अब देख लेते हैं कि 10.8 या फिर 7 तक ये कितना देर तक लोड चला सकता है, क्योंकि ये इन्वर्टर मिनिमम 10.7 तक जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो बैटरी फुल चार्ज ना होने की वजह से जो वोल्टेज अभी आप देखते हैं कि 10.9 आ चुका है, 1:53 हो रहा है, यानी कि करीब 53 मिनट ये बैटरी चल चुकी है। अभी भी 2-4 मिनट ये चल जाएगा जो कि करीब करीब 1 घंटे तो पूरा कंप्लीट कर ही देगा। और जो वोल्टेज आ चुके थे वो तो आपने देख ही लिया। तो कहीं ना कहीं 1 घंटे का बैकअप मुझे अभी फ़िलहाल मिल रहा है 100 वाट के बल्ब पर, जो कि इसके पहले जो मैंने चेक किया था वो करीब 1 घंटा 10 मिनट के आसपास गया था। तो कहीं ना कहीं बैटरी अभी पूरी तरीके से फुल चार्ज नहीं थी। तो जैसा कि आपने अभी देखा था कि जो हमारा बैकअप था वो केवल 53-55 मिनट के आसपास था, तो उसकी वजह मुझे अभी मालूम पड़ी जब मैंने इसे चेक किया कि यार बैटरी तो अभी भी फुल चार्ज थी, यानी लगभग आधी चार्ज थी। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई वो यहाँ पर लगे हुए एक फ्यूज़ की वजह से आई। इस फ्यूज़ को जब मैंने टच किया पीछे तो ये बहुत ज़्यादा हीटेड था और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये पिघल चुका है। इसको कुछ ऐसे होना चाहिए था जो कि अभी ये ऐसे हो चुका है और ये टेढ़ा भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये लूज़ था जिसकी वजह से जो वोल्टेज था वो ड्रॉप हो गया। इन्वर्टर के माइक्रो कंट्रोलर को लगा कि शायद वोल्टेज ड्रॉप हो चुके हैं, वोल्टेज कम हो चुके हैं, इसी वजह से उसने अचानक जो है बैटरी को लो बता दिया और हमारा बैकअप भी ठीक से नहीं निकल पाया। अगर मैं वापस से इसे ऑन करता हूँ तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, फ्यूज़ याला ब्लो नहीं हुआ है, जस्ट याला फ्यूज़ जो है वो लूज़ हो गया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी भी जो हमारा लोड है वो ये आराम से होल्ड कर रहा है और वही 11.2 के आसपास जा कर के रुक जा रहा है, जो कि हमारी बैटरी अभी भी चार्ज है और इसको जाना है करीब 10.5-10.6 तक।
तो इस वीडियो में तो हमारा जो बैकअप है वो निकल करके नहीं आ पाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे वापस से सारी चीज़ों को ठीक करके। लेकिन इस वीडियो से एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर आपका फ्यूज़ थोड़ा सा भी लूज़ होगा या वायर आपका थोड़ा सा भी लूज़ होगा तो आपका जो बैकअप है वो कभी भी ठीक से नहीं निकल पाएगा, केवल और केवल हीट में वो जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी।